मेरे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आप लोग परेशान हैं अपने फेशियल हेयर को लेकर के। वैक्सिंग थ्रेडिंग का सहारा लेते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द हमें सहना पड़ता है बहुत, और टाइम निकाल के आपको जाना पड़ता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा मिल जाए जिसको आप अपने घर पे ही कर लें, और बहुत ही जिससे आपको पेन भी ना हो और आपका टाइम भी बचे। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा होम रेमेडी आज मैं आपको बताऊंगी जिसका यूज़ करने से आप अपने फेस के, दाढ़ी मूछ के, हेयर जो भी हैं, अनचाहे बाल हैं, गैर ज़रूरी बाल हैं आपके चेहरे पर, वहाँ के जो हैं आप इजीली ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए, इसको बनाने के लिए आपको एक क्लीन सी कटोरी लेनी है, और इस बॉल में आपको लेना होगा, इसमें एक स्पून ले लेंगे छोटा सा, और इसके बाद में आपको, अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप जो है वाइट वाली शुगर भी ले सकते हैं। तो शुगर क्या करती है, यानी कि चीनी हमारे चेहरे से अनचाहे बालों पे जो है जड़ से काम करती है, उनको जड़ से रिमूव करती है। उसके बाद में आपको ग्लिसरीन लेना है, जो उसको आप बहुत ईजीली ले सकते हैं। तो इसमें हमने 2 चम्मच चीनी ली है, तो 1 चम्मच भर के हम इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, स्किन में नमी लेकर आएगा। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। साथ ही इसमें आपको एक चीज़ और लेनी है, तो थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है नींबू। नींबू क्या करता है, हमारी स्किन को ब्राइट करता है। जहाँ पे बहुत सारे फेशियल हेयर होते हैं वहाँ का एरिया भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, काला पड़ जाता है, तो उसको फेयर करने के लिए, उसको निखारने के लिए इसमें हम नींबू यूज़ करने वाले हैं। तो आपको आधा नींबू भर के बिल्कुल लेना है, बड़े साइज़ का नींबू ले लीजिए। आधे नींबू का रस इसमें हम निचोड़ देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब बारी आती है इसको मेल्ट कैसे करना है, क्योंकि ये ऐसे तो वर्क करेगा नहीं। तो इसके लिए आप इस तरीके का कोई भी बर्तन ले लीजिए और उसमें हम इस रेमेडी को डाल लेंगे जो हमने बनाई थी। तो इसको हल्का सा हम धीमी आंच पे जो है इसको मेल्ट करते हैं, ताकि एकदम ही शीरा सा बन के तैयार हो जाए, चिपचिपा सा। तो चलिए इसको पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको बना के तैयार करके ले आई हूँ, और ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का ये शीरा सा बन के तैयार हो गया है। इसको वापस हम अपने बाउल में कर लेते हैं, ताकि बाकी के जो बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें डाल के रेमेडी को फुल तरीके से हम कंप्लीट कर लें। तो देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। इसके बाद में आपको लेना है इसमें एलम, जिसको हम फिटकरी बोलते हैं। फिटकरी हमारे जो है चेहरे से गैर ज़रूरी बालों को बहुत तेज़ी से रिमूव करती है। तो आपको आधे चम्मच के करीब फिटकरी का इसमें पाउडर यूज़ करना है। ये हमारी बालों की ग्रोथ को काफ़ी कम करता है, बहुत अच्छा होता है फिटकरी का पाउडर। अब इसमें आपको लेना है, तो फ्रेंड्स इसमें हमें शहद की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो थोड़ा सा हम इसमें शहद ले लेंगे। अगर आपके पास पील ऑफ मास्क है तो आप वो इसमें यूज़ कीजिएगा, मेरे पास वो नहीं है तो मैं यहाँ शहद ले रही हूँ। दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं जो बहुत सी आपको इजीली मिल जाए। अब इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। ये देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से रेमेडी मिक्स हो चुकी है। आपको इसको अपने बालों पे लगाना है। ये देखिए, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो बालों पर लगाने के बाद में इसको जो है कोई भी सूती कपड़ा लेके इस पर चिपकाना है, और इसको 2 से 3 मिनट वेट करना है। उसके बाद आपको इसको हटा देना है वैक्सिंग पट्टी की तरह। इससे ना तो आपको दर्द होगा, साथ ही आपके चेहरे के बाल जो हैं बहुत जड़ से साफ होंगे, और चेहरे की स्किन भी वहाँ की ब्राइट होगी। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये घरेलू रेमेडी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेमेडी के साथ।